भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है। भारत फिलहाल इस सीरीज में 1-0 से आगे है और दूसरा टेस्ट 12 अक्टूबर से हैदराबाद में खेला जाना है। इसके बाद ही दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। विराट कोहली टेस्ट टीम की अगुवाई तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें वनडे और T20 सीरीज में आराम दिया जा सकता है। विराट को अगर वनडे और T20 सीरीज में आराम दिया जाता है तो ऐसे में रोहित शर्मा टीम की अगुवाई करेंगे। इससे पहले विराट को एशिया कप में भी आराम दिया गया था और रोहित की कप्तानी में भारत एशिया कप चैंपियन बना था। खबरों की माने तो वर्ल्ड कप को देखते हुए विराट को पर्याप्त आराम दिया जा रहा है। मैं आपको बता दें, वेस्टइंडीज के भारत दौरे के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जाना है। लगातार बिजी शेड्यूल देखते हुए ही विराट कोहली को आराम दिए जाने की बात कही जा रही है। विराट फिलहाल शानदार फॉर्म में है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट ने शानदार बल्लेबाजी की थी और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने 141 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो ऐसे में देखना होगा कि विराट की जगह रोहित शर्मा फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे या फिर विराट कोहली ही टीम की अगुवाई करेंगे। क्रिकेट की बलबल की खबरों पर आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यहीं मिलेंगी।